हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मटन बेली राम बना रहे हैं आज हम, उसके लिए यहाँ पर 250 ग्राम मटन लिया है। नीचे आप देख सकते हैं पतले पतले लंबा लंबा एक बड़ा प्याज काट के रखा है, एक काली इलायची है, दो लौंग और काली मिर्च है एक चम्मच, एक तेज पत्ता डाला है हमने यहाँ पर। इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। ये अभी मैं एक मसाले वाले चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ और बाकी जब पकाएंगे तो बाद में भी डलेगा। थोड़ा सा दो पिंच जितना हल्दी, एक चम्मच भर के कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप देगी मिर्च डालिए या कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, जो कुछ भी डाल, क्योंकि इसमें हरी मिर्च गई है तो इसीलिए कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है और तीखी लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। तो ये पूरी एक चम्मच हो गई। यहाँ पर एक चौथाई कप जो है हम डाल रहे हैं दही का। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। कोरिएंडर पाउडर हमने 1 टेबलस्पून डालना था, 1 टीस्पून नहीं तो हमने और भी डाल दिया, और अब इसे मिक्स कर देते हैं। इसे हमने कर दिया अच्छे से मिक्स और अब इसको ढककर हम 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से मैरिनेट होने देंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। मटन को मैरिनेट होते हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। हमने यहाँ पर डाला है 1 टेबलस्पून जितना घी और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 3/4 चम्मच जीरा। जीरा तड़क जा गया है तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 प्याज लंबा लंबा कटा हुआ, और इस प्याज को हम भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हमने थोड़े से अदरक के जूलियंस और हरी मिर्च भी काट के रखी है, जो हम थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने लगेगा प्याज तब डालेंगे। प्याज देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिंजर जूलियंस और हरी मिर्ची भी ऐसे लंबी लंबी काट। अब पूरी तरह से प्याज को ब्राउन करेंगे। थोड़ा मीडियम सेक ही रखा है हमने, पूरा तेज नहीं किया है, मीडियम सेक पर ही इसे पकाएंगे। प्याज देखिए ब्राउन हो गया, और जब तक प्याज ब्राउन हो रहा था हमने यहाँ पर 3/4 चम्मच धनिया जो है इस तरीके से कूट दिया है कि बस वो आधा आधा हो जाए। अभी इसके अंदर हम मटन डालेंगे, ये धनिया बाद में जाएगा। इसमें अब हम डाल रहे हैं मटन, देखिए खूब अच्छे से ब्राउन हो गया है प्याज। अब इस मटन को बीच बीच में चलाते हुए तब तक हम भूनेंगे जब तक कि दही का जो है पूरा तेल कहिए या घी कहिए निकल नहीं आता। देखिए दही ने अच्छे से सारा घी छोड़ दिया है, तो अब हम ये कुटा हुआ धनिया डाल देते हैं इसमें और 4 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही कम सेक पर पकाएंगे। भुन गया धनिया भी, तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी। आप चाहें तो इसको खुला पका सकते हैं, तब थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, पर हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तो हम पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। आज हम इसको इस तरीके से ढककर बनाएंगे और प्रेशर कुक हम नहीं करेंगे, पर अगर आपने प्रेशर कुक करना हो तो 1 विसल देकर इसको 15 मिनट तक पकाइए कम सेक पर। लीजिए जी मटन बेली राम तो हो गया रेडी। पराठों के साथ खाइए, नान के साथ खाइए या तंदूरी रोटी के साथ। लटपटी ग्रेवी होती है तो इसलिए इन्हीं के साथ ही अच्छा लगता है। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम आपको मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक
बनाते रहिए, खाते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।